गाइज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम व्लॉग्स। जो मैं आज आपको इन्वेंट्री दिखाने वाला हूँ, ये बेसिकली सी ब्लॉक पालम विहार में 348 यार्ड प्लॉट साइज़ है। इसमें भी तीन फ्लोर अवेलेबल हैं, वो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। विथ रूफ राइट मिल जाएगा आपको ये। कम्प्लीशन ये आपको इन द मंथ ऑफ अप्रैल नेक्स्ट ईयर मिलेगा। सामने में 12 मीटर की रोड जा रही है ये, जो कि आप देख रहे होंगे। ये लोकेशन इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू दी स्टिल पार्किंग, और ये इसका हो गया स्टिल पार्किंग, जो कि आप देख पा रहे होंगे 348 यार्ड प्लॉट साइज़ है। और ये प्रॉपर पार्किंग रहेगा। सामने में भी ये जो है क्लोज किया गया है, क्योंकि डस्ट ना बाहर जाए इस वजह से। और सामने आपका रैम्प एरिया है, यहाँ पर प्रॉपर गेट आ जाएगी, मेन गेट। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो प्रॉपर इसमें काम हुआ पड़ा है, मार्बल लगी हुई है प्रॉपर। इसमें फ्लोरिंग भी काफ़ी अच्छा किया गया है। और ये प्लॉट साइज जैसा कि मैंने बताया आपको 348 यार्ड प्लॉट साइज़ है। वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है ये। और ये इसका हो गया लिफ्ट एरिया और स्टेयर्स एरिया। जस्ट फ्रंट में इधर जॉनसन की लिफ्ट आ जाएगी। और ये इसका स्टेयर्स हो गया, जो कि आप देख पा रहे होगे ये। और ये इसका फ्लोरिंग किया हुआ है, जस्ट मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर, इवन आप देख सकते हो इसमें भी पत्थर का काम हुआ पड़ा है, मार्बल लगी हुई है इसमें। और इसमें लिफ्ट जो है टॉप तक आ रही है फ्रेंड्स, टेरेस तक आ रही है। जॉनसन की लिफ्ट आएगी इसमें। और ये इसका स्टेयर्स हो गया, जो कि देख पा रहे होगे आप ये। और इसका टेरेस है फ्रेंड्स। कंप्लीशन के बाद यहाँ पे ये वाला जो है स्पेस, पूरा रूम आ जाएगा ये प्रॉपर, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये। और ये साफ्ट है, प्रॉपर कवर हो जाएगा, नीचे से भी प्रॉपर इसमें कवर हो जाएगा, ऊपर साइड आ जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे प्रॉपर आपको सिंटेक्स आ जाएगा चारों। 5000 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी है फ्रेंड्स पर यूनिट, और 1000 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी रहेगा आपको टेरेस पे पर यूनिट। आप देख सकते हो टेरेस का डिज़ाइन भी अभी कुछ हुआ हुआ नहीं है। प्रॉपर इसमें टाइल्स लगेगी, सारे बैटरी फाइव टाइल्स का काम होगा। और ये 348 यार्ड प्लॉट साइज़ है फ्रेंड्स। वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, 4 BHK। टेरेस भी काफ़ी बड़ा साइज़ का है ये, अच्छा है कि इसका जो लिफ्ट है वो टॉप तक आ रही है। इसमें टॉप फ्लोर अभी अवेलेबल है फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर अवेलेबल है। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम व्लॉग। आज मैं आपको इन्वेंट्री दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये बेसिकली वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, और ये 360 यार्ड प्लॉट साइज़ है। और इसमें तीन फ्लोर अवेलेबल है अभी, वो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। विथ रूफ राइट मिलेगा। प्राइस एंड ऑल सारा कुछ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ सब चेकआउट कर लेना। लेट स्टार्ट द वीडियो। आप देख सकते हो ये इसका लॉबी एरिया हो गया, आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया, ये पाउडर रूम है, ये इसका लॉबी एरिया हो गया, ये बेसिकली किचन एरिया है इसका। और ये वाला जो ये पूजा घर बोल सकते हैं इसको, इसमें भी फॉल सीलिंग का सारा काम हो रहा है। फ्लोरिंग की बात करूँ मैं अगर इसकी, तो इसमें इटालियन फ्लोरिंग होगा। और ये इसका सेकंड बेडरूम हो गया फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हो। और ये वाला इसका थर्ड बेडरूम हो गया। और ये वाला हो गया इसका फोर्थ बेडरूम। और जैसे मैंने बताया आपको, ये सेकंड बेडरूम, ये थर्ड बेडरूम, ये फोर्थ बेडरूम हो गया। ये कंप्लीशन के बाद यहाँ पे रूम आ जाएगी। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें सारे में इटालियन फ्लोरिंग का काम होगा। इसमें फॉल सीलिंग का काम हुआ पड़ा है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
फॉल सीलिंग के लिए सारा कुछ लाइटिंग का प्रोविज़न, एसी का प्रोविज़न सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आपको यूपीवीसी की प्रॉपर स्लाइडर डोर्स आ जाएगी, ग्लास डोर, और इससे अटैच ये वॉशरूम है। फिटिंग सारे आपको जैगवार के मिलेंगे और प्रॉपर, जस्ट मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ क्या साइज़ है क्या नहीं है। आप देख सकते हो साइज़ काफ़ी ह्यूज साइज़ का है ये। और इससे अटैच ये फ्रंट बैल्कनी हो गया। बैल्कनी का साइज़ भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये इसका बैल्कनी हो गया। बैल्कनी का साइज़ देख सकते हो, काफ़ी ह्यूज साइज़ का बैल्कनी है, चूँकि 360 यार्ड्स का है। आउटडोर यूनिट के लिए सारा कुछ प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते, एक यहाँ दिया हुआ है, एक वहाँ दिया हुआ है। प्रॉपर यहाँ पे आपको स्लाइडर, यूपीवीसी की स्लाइडर डोर्स आ जाएगी प्रॉपर। यहाँ पे मार्बल लगी हुई है इसमें, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थिकनेस आप देख सकते हो, काफ़ी मोटा थिकनेस है इसका, और ब्लैक कलर की लगी हुई है इसमें, जो कि आप देख सकते हो। ये भी अगर मैं बात करूँ इसमें बालकनी का जो फ्लोरिंग का, इसमें प्रॉपर आपको मार्बल का काम होगा, ब्लैक कलर की ग्रेनाइट लगेगी। और सामने में ये जो है 12 मीटर की रोड जा रही है, जो कि आप देख सकते हो। ये पालम विहार सी ब्लॉक है फ्रेंड्स, और ये वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है जैसा कि मैंने बताया आपको। और लोकेशन आप देख सकते हो, लोकेशन काफ़ी अच्छा है ये। सामने में सारी कोठियां बनी हुई है प्रॉपर, ग्रीनरी एकदम भरा पड़ा है। लोकेशन आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेडरूम, जो कि इस हॉल से कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स। ये इसका बेसिकली जो है फ्रेंड्स, ये वाला हो गया किचन एरिया। फ्लोरिंग अभी इसमें हुई भी नहीं है, इसमें फ्लोरिंग होगी। जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, ये इसका फॉल सीलिंग हो गया और प्रॉपर मॉडुलर किचन रहेगी सारे। वहाँ पे सिंक आ जाएगी, यहाँ पे चिमनी आ जाएगी प्रॉपर, नीचे हॉब आ जाएगा, प्लेटफॉर्म बन जाएगा, नीचे सारे बॉक्सेस, बीच में टाइल्स लग जाएगी, ऊपर सारे बॉक्सेस आ जाएंगे। इधर भी सेम होगा, यहाँ पीपीवीसी के साइड डोर्स आ जाएगी और इसमें इटालियन फ्लोरिंग होगा फ्रेंड्स। और ये जो है फ्रेंड्स, ये फ्रंट बालकनी से कनेक्ट हो रहा है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे भी आपको काफ़ी बड़ी सी बालकनी रहेगी, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो ये फ्रंट बालकनी हो गया, ये पाइप पूरी कवर हो जाएगी, यहाँ पे ग्लास लग जाएगी प्रॉपर। यहाँ भी आपको काफ़ी स्पेस दिया हुआ है प्रॉपर, इसमें सारे में टाइल्स का काम होगा। ये फ्रंट बालकनी है फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये भी। और ये इसका किचन हो गया, और ये फ्रंट बैल, ये फ्रंट व्यू हो गया यहाँ से, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये और सामने में ये जो इसका रैंप एरिया है, जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ प्रॉपर गेट आ जाएगी, मेन गेट, ये इसका रैंप एरिया है। 12 मीटर की रोड जा रही है ये, सी ब्लॉक पालम विहार। और मूविंग ऑन टू दी लॉबी एरिया, आप देख सकते हो ये इसका लॉबी है। फॉल सीलिंग का काम हुआ पड़ा है, एसी के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है इसमें भी। यहाँ पे यूपीवीसी के साइड डोर्स आ जाएगी प्रॉपर, इटालियन फ्लोरिंग होगा लॉबी में, मार्बल का काम होगा इसमें। और ये फ्रंट बालकनी से कनेक्ट हो रहा है, जो कि मैंने दिखाया था आपको, फर्स्ट बेडरूम से भी, किचन से भी। ये आप देख सकते हो, ये इसका फ्रंट बालकनी है। एसी के आउटडोर यूनिट के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है। यहाँ पे रेलिंग आ जाएगी प्रॉपर, स्टील की रेलिंग, और यहाँ पे आउटडोर यूनिट के लिए प्रोविज़न दिया गया है। सामने 12 मीटर की रोड जा रही है, जो कि आप देख रहे होंगे। लोकेशन काफ़ी अच्छा है इसका। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम फ्रेंड्स, और ये आप देख रहे हैं कि लॉबी का जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है बेसिकली। और ये इसका पाउडर रूम हो गया, अभी अंधेरा है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। और ये इसका सेकेंड बेडरूम हो गया फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हो फॉल सीलिंग का काम हुआ पड़ा है, एसी के लिए प्रोविज़न दिया गया है,
इससे अटैच्ड ही वॉशरूम है। फ्लोरिंग में इटालियन फ्लोरिंग का काम होगा प्रॉपर इसमें, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ये वाला जिस पे छोड़ा गया है, इसमें यहाँ पे कवर्ड आ जाएगी दोनों साइड में, इसके लिए प्रोविज़न दिया गया है काफ़ी बड़े साइज़ का, इसमें कवर्ड आ जाएगा। और ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज़ आप देख सकते हो। फ्लोरिंग सारे इटालियन फ्लोर, इसमें टाइल्स लगेगी सारे वेट्रीफाइड टाइल्स। प्रॉपर आपको यहाँ पे वैनिटी नीचे आएगी, वॉश बेसिन, शावर एरिया, कमोट एरिया, इसमें भी आपको विंडो का प्रोविज़न दिया हुआ है एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए। फ्रेंड्स इसे अटैच की वॉशरूम है। और मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बैल्कनी, ये इसका बैक साइड बैल्कनी हो गया जो कि सेकेंड बेडरूम से अटैच्ड है ये। और ये अभी काम उसमें हो रहा है। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, ये इसका थर्ड बेडरूम है। जस्ट मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, पूरा अंधेरा है अभी आपको, चूँकि ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ, इसमें भी फॉल सीलिंग का काम हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं ये। इसे अटैच्ड ही वॉशरूम है, फ्लोरिंग में सारे में इटालियन फ्लोरिंग का काम होगा। और ये इसका हो गया फोर्थ बेडरूम। फ्रेंड्स कंप्लीशन के बाद ये प्रॉपर एक रूम यहाँ पे आ जाएगी, सारा काम होने के बाद ये एक रूम बन जाएगा यहाँ पे। ये इसका फोर्थ बेडरूम हो गया, ये वाला, ये एरिया पूरा फोर्थ बेडरूम हो जाएगा इसका। और ये इसका हो गया लॉबी एरिया, जो कि मैंने दिखाया था आपको। और डिज़ाइन देख सकते हो, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। एसी के लिए प्रोविज़न दिया गया है इसमें, दो एसी के लिए पॉइंट दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, एक वहाँ पे दिया हुआ है। अगर बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, इसमें इटालियन फ्लोरिंग का काम होगा प्रॉपर, इटालियन मार्बल लगेगी प्रॉपर इसमें। प्राइस एंड ऑल फ्रेंड्स सारा कुछ मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर लेना। और इसे अटैच ये पाउडर रूम हो गया, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें अभी लाइट नहीं है। एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, क्या साइज़ है इसका आप देख सकते हो, ये इसका पाउडर रूम है। इसमें भी विंडो का प्रोविज़न दिया हुआ है एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए। वैनिटी, शावर, सारे फिटिंग्स में जैगवार के मिलेंगे। इसका पाउडर रूम हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए पालम विहार बी ब्लॉक। प्राइस एंड ऑल सारा कुछ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से चेकआउट कर लेना। अच्छा लगा फ्रेंड्स, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर, ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।